हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंड क्राफ्ट। आज के वीडियो में हम माता रानी के लिए इस तरह की चुनरी बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माता रानी की चुनरी बनाने के लिए हमें जो नेट यूज़ किया है, ये नेट टिश्यू नेट है। टिश्यू नेट में शाइन होती है, और आप जो प्लेन नेट लेंगे तो प्लेन नेट में बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है। या हम इस तरह के लेस यूज़ करेंगे। आज हम माता रानी के लिए चुनरी बनाने जा रहे हैं, तो ये चुनरी लक्ष्मी जी और माता रानी के लिए हम दीपावली और यह नवरात्रि में बनाते हैं। तो उसकी मेज़रमेंट चार्ट इस तरह की है, आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज हम 17 इंच × 7 इंच की हम यहाँ टिश्यू नेट को कट करते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ सेवन इंच चौड़ा और 17 इंच की लंबाई में हमने यहाँ टिश्यू नेट कट कर लिया है। अब हम यहाँ इस तरह के लेस को स्टिच करेंगे। तो आप यहाँ कोर साइड में देख लें कि सीधी साइड कौन सी है। आप सीधी ओर, तो आप कॉर्नर से थोड़ी नीचे ही इस तरह स्टार्ट करें। कॉर्नर से आप स्टार्ट ना करें कभी भी। यहाँ जब आप कॉर्नर में आए तो यहाँ इस तरह इसे घुमा के यहाँ कॉर्नर को अच्छी तरह यहाँ खींचे नहीं कॉर्नर पे कभी भी। यहाँ बहुत हल्के हाथों से ही यहाँ घुमा के यहाँ लेस को आप क्वार्टर इंच पे ही रखें, यहाँ किनारे की ओर आ गए हैं। अब हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम हाफ इंच थोड़ी बड़ी ही कट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने फोल्ड करनी होगी। तो इस तरह फोल्ड करके इसके लेस के ऊपर रख के स्टिच लगा लें। हमने यहाँ चुनरी में लेस लगा के स्टिच कर लिया है। यहाँ हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, नेट से गम पीछे की ओर निकल जाएगी। तो हमने यहाँ इतनी ऊंची चीज़ में यहाँ हमने डायरी के ऊपर इस तरह रख के यहाँ दबा लिया है, और इस तरह यहाँ भी हमने दबा लिया है। अब हम यहाँ पे आप इस तरह के सीक्वेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ किसी भी साइज के यहाँ मिरर को भी यहाँ गम से चिपका सकते हैं, और इस तरह के हम यहाँ सिल्वर कलर के यहाँ बीट्स को यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ कुछ गोटा पत्ती हॉट ग्लू से हम यहाँ इस मिरर के चारों ओर इस तरह आप यहाँ इस मिरर में भी लगा ले, यहाँ इस मिरर में आप इस तरह सजा ले। ये अब सारे ग्लू सूख गए हैं। माता रानी की चुनरी बन के तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइज? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।